हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शंकु पढ़ेंगे। शंकु क्या होता है तो आप देखे होंगे, जैसे आइसक्रीम या तेल का जो कुप्पी होता है उसको कह सकते हैं। तो एक जो होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि उसका एक जो सिरा होता है, आप देख सकते हैं यहां हमने आपको एक फिगर बनाते हैं। शंकु में आप जिसका एक सिरा वृत्तकार होता है, क्या होता है वो एक सिरा, यानी कि आप कहें तो ये जो शंकु हुआ इस प्रकार से, ठीक है। तो शंकु में ऊपरी जो सिरा होता है ना वो वृत्तकार होता है, सर्कुलर होता है, सिर्फ एक। जब वृत्त आकार का होगा जिसमें रेडियस हो गए और ये होता है उसकी क्या बात, ऊंचाई, ठीक है, क्या होता है ऊंचाई। और अगर हम ऐसे फिगर बना दें, आप देखें, ठीक है, तो ये सर्कुलर है तो ये रेडियस है और ये क्या है ऊंचाई, आप ध्यान देना है। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक ये भी होता है और इसको हम लोग बोलते हैं एल। और एल कहने का मतलब होता है स्लैंट हाइट, क्या था वो स्लेंट हाइट, जिसको हम लोग तिर्यक, ठीक है, तिर्यक कह सकते हैं या तिरछी कह सकते हैं, तिरछी ऊंचाई, ठीक है, याद रखना। एच क्या है वो हाइट है, ये सर्कुलर है तो रेडियस होगा ही, ये एल होता है, ये क्या होता है एल, तो एल को हम लोग स्लेंट हाइट या जिसको तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, याद रखना है किसका, तो कोण शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। ये एल क्या है बाबू, हमने अभी आपको बताया एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जहां जहां हम लोग एल, एल का जो वैल्यू होता है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है तो एल बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको एच निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस क्या होता है आर स्क्वायर, अगर आपको आर निकालना हो तो एल स्क्वायर माइनस क्या होगा एच स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एल, क्योंकि ये कर्ण हो जाएगा तो दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं, इसका वैल्यू निकालना हो इसमें से घटाते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, इसका वैल्यू निकालना हो इसमें से इसको घटा दे क्योंकि बड़ा यही होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सी एस एफ कोण क्या होता है बाबू, पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हमारे पास आर दिया हो और एल दिया हो तो हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आर की जगह व्यास भी दिया हो तो व्यास को हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ये समझ रहे। उसके बाद जो होता है ना पी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, ठीक है, तो क्या होता है पाई आर एल, प्लस होता है एरिया बेस, इसका बेस जो होता है ना वृत्तकार होता है, एरिया बेस करने का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल करने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल करने का मतलब पाई आर स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है पाई आर, तो पाई आर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा एल, आर यहाँ दो है एक कॉमन होगा तो क्या होगा आर, यानी कि पी एस ए टोटल सरफेस एरिया जो हुआ पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू जो दिया होगा उसी से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए एक जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये याद रखना, ये जो वैल्यू है याद रखना, ठीक है, आप इसको नोट भी करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन हम आपको देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, या एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल में देखिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन, यदि आपके पास व्यास दिया हो, बी दिया हो 10 सेंटीमीटर, समझिए बी कितना दिया होगा 10 सेंटीमीटर और हाइट जो दिया गया हो 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह दिया जाए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करें ज्ञात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है, लेकिन वहां हाइट जो दिया गया है
वहां आप देखिए h दिया है, क्या दिया है बाबू, h दिया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में परिवर्तन होगा, क्या होगा तो थोड़ा सा आप समझिए, ये h के जगह पे ना ये हाइट के जगह पे r तो आपका d हो गया, तो r की जगह हम लोग d भी चेंज करते हैं, ठीक है, d हम रख देते हैं 6 सेंटीमीटर, कितना रख दे बाबू 6 रख दे, हाइट हम लिख देते हैं कितना 4 सेंटीमीटर, आप समझेंगे, और आपको निकालना क्या है तो CSA of कोण, चलिए क्योंकि आप यहाँ पे d है तो r जब निकालेंगे तो d/2 होगा, तो 6/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, हाइट तो दिया ही है, तो अगर आप लिखेंगे CSA of कोण क्या होता है πRL, तो पाई की जगह 22/7, आर दिया है कितना 3, लेकिन L तो दिया ही नहीं है, L नहीं दिया, तो पहले L को क्या करेंगे फाइंड करेंगे, तो L कैसे निकालते हैं तो √H² प्लस क्या बाबू R², तो H की जगह क्या है, H की जगह क्या है 4, तो 4² प्लस होगा ना, क्या हो जाएगा प्लस, फिर R है तो R की जगह 3, तो 3² 4² कितना 16, 3² कितना 9, 16 कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल कितना 5 सेंटीमीटर, यानी कि L को पहले फाइंड करना होगा ना, L तो दिया नहीं है, हमारे पास H है R है, जब H और R दिया तो L निकाल लेंगे, ठीक है, अब L के जगह कितना आ गया 5, L की जगह क्या लिख देंगे 5, सबको गुणा कर दीजिए 22 × 5 कितना 15, नीचे कितना 7 गुणा कर 15 × 30 की 0 हो जाएगा, 15 × 30 अर्थात 3 हो जाएगा, 15 × 30 0 3, 15 × 30 33 7 नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर 7 हो सकता है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी हमारे पास यदि डायमीटर दिया हो तो रेडियस फाइंड कर लेंगे, एल नहीं भी दिया होगा ऊंचाई दिया होगा तो एल को निकाल लेंगे, एल निकालने के बाद हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन बनाना होगा, जैसे हम आपको एक दो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का भी सॉल्व करते हैं, देखिए एक्सरसाइज में भी दिया गया है 13.3 है एक्सरसाइज, हमने 2 तक सॉल्व किया था, देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे एक्सरसाइज जो है बाबू इसको नोट करते चलेंगे आप, ठीक है, पॉज करके वीडियो को नोट करेंगे, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको क्या सॉल्व करना है, एक्सरसाइज जो है बाबू 13.3 है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करते हैं, कह रहा है शंकु के आधार का व्यास, व्यास कितना है डी 0.7 10 पॉइंट कितना है 5 सेंटीमीटर, ध्यान देते चलेंगे, ठीक है, r कितना हो जाएगा d/2 क्या होगा 2, 10.5 कितना होगा 2 होगा, तो 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सेंटीमीटर, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है L, L क्या दिया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितना है बाबू 10 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि CSA अब क्या बाबू कोण क्या होता है तो पाई आर एल, तो पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, आर कितना दिया है 5.25 इंटू एल कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 7 से कटाएंगे, ठीक है 7 से कटाएंगे, जितना बार में करते 7 से 49, 7 से कितना बाबू 49 होगा 0 पॉइंट, ठीक है 49 होगा 3, 7 से 35 हो जाएगा, यानी कि 22 × इससे जब गुणा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, जब इससे गुणा करिएगा तो 7 पॉइंट कहा जाएगा 5 हो जाएगा, अब आप दोनों को गुणा कर दीजिए यही आपका कहा जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है कर सकते हैं, इसी तरीके से आप एक्सरसाइज के यदि आपसे क्वेश्चन बने तो आप जरूर बना लीजिएगा, एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, देखिए नोट कर लेंगे आप इसको, ठीक चलिए दूसरा नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से क्वेश्चन उन लोगों को सॉल्व करना है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड पर ध्यान से, सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है
फिर ये हमको चाहिए 21 है, एल कितना दिया है 21 मीटर, आधार का व्यास कितना 24 मीटर मीटर में है, तो डी यहाँ पे दिया गया डी, इसलिए इसका आर कितना हो जाएगा डी बाई टू, 24 बटा दो कितना होगा बाबू 12 मीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल PSA ऑफ कोन वैल्यू रखेंगे ना, पहले सूत्र लिख दें पाई आर प्लस क्या होगा इनटू क्या होगा एल प्लस आर, वैल्यू रख के सॉल्व करना, पाई की जगह कितना 22 बटा 7 होगा, ये क्या है बाबू आर, आर की जगह 12 होगा, ये एल है ना, एल की जगह क्या होगा 21 प्लस आर की जगह कितना 12, ठीक है, ये हो जाएगा 22 बटा 7 इंटू कितना 12 इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे जो आएगा वही मीटर स्क्वायर में चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो भी आपको अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।